and you're watching Expose India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और हमारे साथ हैं ग्वालियर से एमपी के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी। तो कुशवाहा जी से जानेंगे कि विधानसभा में चुनाव जो चल रहा है, जिस तरह से अभी जो है तैयारी चल रही है, सर क्या बताएंगे कि विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है एमपी में, पक्ष और विपक्ष जो है एक तरह से अपने जोर शोर से तैयारी कर रहा है और बीजेपी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, तो किस तरह से तैयारी चल रही है? क्या पार्टियों की तैयारियाँ निरंतर चलती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी चुनाव की दृष्टि से कर रही है। वैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, हम लोगों का काम चुनाव के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे जीते उसी के बाद से हम लोगों की पूरी अगले सालों के लिए रूपरेखा बना करके काम चालू कर देते हैं, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। जो है चुनाव की, मैं समझता हूँ कि 5 तारीख के लगभग आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है और कांग्रेस या अन्य पार्टियाँ भी अपना कार्य कर रही हैं चुनाव की दृष्टि से। पर मध्य प्रदेश में जो इन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विगत वर्षों में जब से सरकार बनी है लगभग 15 सालों से निरंतर काम कर रही है और ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं कि भारत के किसी भी प्रदेश में वो योजना और वो लाभ किसान, गरीब और मजदूर परिवारों को देने की कई योजना लागू की है। एक संबल योजना है जो अभी 5 महीने पहले लॉन्च की है, बहुत बड़ी योजना है और गरीबों को संबल देने वाली योजना है, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं है। जो ऐसे काम गरीबों के लिए, किसानों के लिए किए हैं, किसानों को लगभग 32,000 करोड़ रुपए की राहत विशेष योजनाओं के तहत किसानों को दी है। जो सर विपक्ष जो है, विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है फिलहाल में, तो विपक्ष कुछ भी कहने को बिल्कुल नहीं चुक रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए के कहा कि देश का जो चौकीदार है वो चोर है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, और चोर और ये सब चीज़ों के पीछे तो वो खुद अपने आप काम का आकलन करें, अपने समय के आकलन करें जो है, और कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। काम काज देखें, कहीं ऐसी बात कोई बताए निकाल करके। एक कांग्रेस की सरकार ने, मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में ऐसा कोई काम नहीं किया कि आज कांग्रेस के लोग बता सकें कि हमारे कार्यकाल में ये विकास के काम, ये अनन ऐसे काम हुए जिन्हें हम गिना सकें, जनता के बीच में जा सकें। वो किस जनता के बीच में किसी मुंह से जाने जा ही नहीं सकते, बता नहीं सकते। जनता पूछ रही है कि आपके मध्य प्रदेश में लगभग 45-50 साल राज किया, हिंदुस्तान में लगभग 70 साल राज किया, अपने कार्यकाल की उपलब्धियाँ बताएं। अभी विगत ये 4 सालों की मोदी जी की उपलब्धियाँ देख लें, पूरी दुनिया के देश किस तरीके से भारत का सम्मान करने लगे हैं, ये सामने है सबके। पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से थे दिग्विजय सिंह जी, जो व्यापम घोटाले पर बार बार चर्चा लेते, आज उनके ऊपर गाज गिरने वाली, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें हैं सीबीआई में, सुप्रीम कोर्ट में, ये सब चीज़ें आ गई हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। दिग्विजय सिंह या कोई भी, उनके पास कोई चीज़ नहीं है कहने के लिए। उनके टाइम का विकास और आज मध्य प्रदेश में जो विकास है, जनता के बीच में विकास को लेकर के, विकास की चीज़ें लेकर के वो जा ही नहीं सकते। लेकिन विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि हम एक साथ जुट होकर के कुछ करेंगे, हालांकि मायावती जो है बसपा सुप्रीमो, उन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन तब भी विपक्ष जो है एकजुट होने के बाद बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्हें रोक कौन रहा है? अभी तक किसने रोका है? उन्होंने एक हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, तो रोक कौन रहा है? काम भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतने किए काम किए हैं कि वो जो है जनता के बीच में किस तरीके से जाएंगे और क्या कहेंगे, जनता जवाब दे रही है। अभी मामला था SC ST एक्ट में, तो तत्काल गिरफ्तारी ना हो, हालांकि शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारे राज्य में ये प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो सर क्या ये ठीक है या होना चाहिए? इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं, इसमें हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन बातों के बारे में कहा है। जो सवर्णों की समथिंग 148 सीटें हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो किस तरह से जो SC ST का प्रभाव पड़ेगा? अरे मध्य प्रदेश में सारे हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, सवर्णों के हैं, सबके मंत्री हैं और काफ़ी विधायक की संख्या। विधानसभा में पूरा जोर रहेगा बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा में सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जिन्होंने अपना बताया कि किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को साबित करेंगे। विपक्ष जिस तरह से तंज कस रहा, उन सभी तंजों को पूरी तरह से जो है कोशिश करेंगे और उनको असफल करेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अनीस के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली।